सूरह आराफ कुरान मजीद का सातवां सूरह है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया उसका निशान 157 है। परवरदिगार ने आवाज दी पूरी दुनिया के इंसानों को कि अल्लज़ीना यत्तबिउना रसूलन नबियल उम्मी, देखो पैरवी करो इस रसूल की, पैरवी करो इस रसूल की, पैरवी करो इस नबी की, पैरवी करो इस उम्मी की। ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है। अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूमन इंदहुम फित तौराते वल इंजील, ये वो है कि पाने वाले इसका तज़किरा क़यामत तक तौरात तो इंजील में पाते रहेंगे। तारुफ है, तारुफ है, ये नबी है, रसूल है, उम्मी है, इसका तज़किरा क़यामत तक तौरात तो इंजील में मिलता रहेगा। भाई रुक के सुनना, ये रसूल है, जिसे भेजे वो रसूल, ठीक है ना, वो नबी भी और रसूल भी। जब ले रहा है अल्लाह से इल्म नबी है, जब दे रहा है रसूल है। यानी ये दो अलग अलग आदमी नहीं है कि नबी और हो रसूल और हो, एक ही शख्स है। तो जब इल्म ले रहा है नबी है, जब इल्म दे रहा है रसूल है। तो रसूल के मानी मालूम हो गए, नबी के मानी मालूम हो गए। अल्लज़ीना यत्तबिउना रसूलन नबियल उम्मी, और उम्मी के मानी जिसे न लिखना है न पढ़ना है, भाई यही तो है। अच्छा भाई तो अब इस पर तो बात नहीं करूँगा, मेरे पास इतना वक्त तो आज नहीं है कि मैं आपको उम्मी के मानी समझाने बैठ जाऊँ। तो उम्मी तो है, और उम्मी के मानी लोगों ने क्या लिखे कुरानों के तर्जुमों के अंदर कि जिसे न लिखना है न पढ़ना है, भाई वो बहुत सामने की बात है। तो लिखना तो आता नहीं उसे, अच्छा भाई पढ़ना भी नहीं आता, नहीं आता ना, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते, लिखना तो आता नहीं। अब तो लाया हूं मैं तुम्हें मकाम रिसालत तक, समझो समझो, सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, मेरे मोहम्मद को समझने की कोशिश करो। जब कलम मांग रहा था तो दे देते, कभी दिल में खतरा था कि लिख देंगे, दिल में खतरा था कि अगर कलम देंगे तो लिख देंगे। जबान से कहते लिखना नहीं आता, दिल में खतरा है कि लिख देंगे। जहां जबान और दिल में इख्तलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है।